कहते हैं पूरी दुनिया में 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और वो माँ बाप खुद को बहुत खुशनसीब समझते हैं जिनके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। बता दें कि जुड़वा बच्चे भी दो तरह के होते हैं, एक मेनोजाइगोटिक, इनमें दोनों बच्चों की एक ही जैसी शक्ल होती है, और दूसरा डाइजाइगोटिक, इनमें दोनों बच्चे अलग अलग शक्ल के दिखते हैं, लेकिन एक जैसी शक्ल के दिखने वाले मेरठ के दो भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा आपने फिल्मों में ही देखा होगा शायद कि दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक साथ रहे, एक साथ पढ़े लिखे, एक साथ बड़े हुए और सभी काम एक साथ करते हैं। एक को चोट लगी तो दूसरे को भी लगेगी, एक की तबीयत खराब हुई तो दूसरे की भी होगी, लेकिन ऐसा हकीकत में भी होता है। दरअसल मेरठ के दो भाई जॉयफ्रेड और रॉल्फ्रेड की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। वो पैदा तो 5 मिनट के गैप से हुए, लेकिन वो बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा से एक दूसरे का साथ देते आए, और शायद उन दोनों के बीच के इस रिश्ते को देखते हुए भगवान ने भी दोनों को दुनिया से एक साथ उठा लिया। जी हाँ, दोनों भाई इंजीनियर थे, दोनों का जन्म भी एक साथ हुआ और मौत भी दोनों की एक साथ आई। भैया इनका ये था कि बचपन से एक साथ ही रहते थे, और मतलब ये समझ लो कि एक ही समय की पैदाइश है इनकी, छोट बड़ाई भी 1 मिनट की है, और जब भी इन्हें कुछ होता था, अगर एक को बुखार हो रहा था तो दूसरे को ज़रूर बुखार होता था। कुछ जैसे ट्विंस का कहते हैं कि ट्विंस के अंदर थोड़ा सा वो रहता है, तो अभी कुछ समय पहले एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया था तो दूसरे का भी एक्सीडेंट हो गया था, तब उनको बचाया, मतलब ठीक हो गए। अब जब एक बीमार पड़ा तो दूसरा भी बीमार हो गया, एक वेंटिलेटर पर गया तो दूसरा भी वेंटिलेटर पर गया, एक की बॉडी आई तो फिर दूसरे की भी बॉडी ऐसी आई, और इस्तफाकन जहां इनको दफनाया गया बॉडी भी दोनों को एक साथ ही जगह मिली, बराबर बराबर में दोनों एक साथ ही दफनाए गए। दरअसल दोनों भाइयों को कोरोना हो गया था, लेकिन 10 मई को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी। उसके बाद दोनों की अचानक तबीयत बिगड़ गई और एक का 13 मई तो दूसरे का 14 मई को निधन हो गया, जबकि बीती 23 अप्रैल को ही दोनों ने अपना जन्मदिन भी मनाया था। मेरठ में जुड़वा भाइयों की मौत के बाद सभी जगह चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिन जुड़वा भाइयों की मृत्यु हुई है वो इंजीनियर थे और अलग अलग राज्यों में तैनात थे। फिलहाल दोनों घर से ही काम कर रहे थे। जहां पहले दोनों को कोरोना हुआ और उसके बाद दोनों की जो स्थिति थी वो बिगड़ने लगी, उनको आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोरोना के जंग जीतने के बाद फेफड़ों के संक्रमण से वो नहीं जीत पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि दोनों ने अपना 24वां जन्मदिन पिछली बीती 23 तारीख को मनाया था, लेकिन अब दोनों के दुनिया से जाने के बाद परिवार पर गमों का पहाड़ टूटा हुआ है। परिवार के जो लोग हैं वो कब्रिस्तान जाते हैं और दोनों की कब्र पर बैठकर रोते हैं, बिलखते हैं, आंसू बहाते हैं। ग्रेगरी रेमंड बताते हैं उनका एक और बेटा नेलफ्रेड राफेल ग्रेगरी भी है, जो इन जुड़वा भाइयों से 5 साल बड़ा है। वो भी बाहर किसी शहर में नौकरी करता है, लेकिन आजकल तीनों भाई मेरठ में ही रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। जॉयफ्रेड हैदराबाद स्थित एसेंशियल में और रॉल्फ्रेड स्थित हुंडई मोबीज कंपनी में जॉब कर रहे थे। 13 मई को जॉयफ्रेड के दुनिया से अलविदा कहने के बाद पिता को रॉल्फ्रेड को लेकर चिंता बढ़ गई। उनकी बस यही प्रार्थना थी कि जुड़वा भाइयों का हर काम एक साथ हुआ, लेकिन इस बार ऐसा ना हो। लेकिन हुआ ऐसा ही, और रॉल्फ्रेड भी 14 मई को उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मैं क्या बताऊं बेटा, जैसा स्वभाव था, हमने कभी इन्हें बाहर नहीं देखा, इन्हें बच्चों को कभी बाहर नहीं देखा। पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया बच्चे थे ये, पढ़ाई लिखाई के अंदर। ये जब इनको करोना था ये बाहर ही नहीं निकलते थे। जब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तब इनका बड़ा बेटा आया, मम्मी ने उनकी ने फ़ोन करके अपने बड़े बेटे को बुलाया, तब उनके बेटे ने भाग दौड़ करी है, तब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। जिस अस्पताल में दोनों भाई भर्ती थे वहां के डॉक्टर बताते हैं कि दोनों भाइयों का 24 अप्रैल को आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया था। 26 अप्रैल को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी,
पहले घर पर ही आइसोलेशन में इनका इलाज चलता रहा, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद दोनों को 1 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इन्हें जो अच्छे से अच्छा इलाज मुमकिन था वो दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक बीच में इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाया, लेकिन जब इनका सिटी स्कैन कराया गया तो दोनों भाइयों के फेफड़े में बहुत ज्यादा संक्रमण फैला दिखा। 13 मई को जॉयफ्रेड को बचाया नहीं जा सका, ये बात छोटे भाई रॉल्फ्रेड को भी पता चल गई थी। 14 मई को रॉल्फ्रेड भी दुनिया से अलविदा कह गया। डॉक्टर यादव के मुताबिक सुनने में आया था कि ये दोनों केरल में किसी मैरिज पार्टी में हिस्सा लेकर लौटे थे, लेकिन शायद जैसे दोनों की किस्मत में इस दुनिया में साथ आना लिखा था, वैसे ही शायद साथ जाना भी लिखा था। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए मेरठ से मनोवर चौहान की रिपोर्ट।